दिस इज द लुक वी विल बी क्रिएटिंग टूडे बाई यूजिंग मीशो प्रोडक्ट. Hi guys, I am Apurva and in today's video we will trying out some Meesho makeup product. In no way I am trying to say that you should go and buy Meesho makeup. No. Just kuch naya try karna tha isliye. I have all the makeup from Meesho which I have already opened it. So without any more bug, let's dive into the video. Meesho se maine koi bhi base product nahi mangaya because आई डोंट नो कि ये सूट होगा नहीं होगा एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरी स्किन ब्रेकआउट हो. ये मैंने मीशो से सेट ऑफ 13 मेकअप ब्रशेस मंगाया था. ये बहुत ही क्यूट वेलवेटी पाउच में आया है. ये रे सारे मेकअप ब्रशेस. दिस इज सो अनइवन. तो ये ब्रशेस के जो ब्रिसल्स है वो बहुत ही अनइवन है. आई डोंट नो इससे एप्लीकेशन कैसे होगा बट चलो ट्राई करते हैं. ये है आई शेडो पैलेट विच वॉज अराउंड ₹150. आई विल जस्ट पॉप द प्राइस ओवर हियर. ये हुडा ब्यूटी रोज का कॉपी पैलेट है. लेट्स जस्ट ट्राई इट. आई गेस ये हुडा ब्यूटी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है बट बहुत पहले ये लॉन्च हुआ था. ओह यू गेट नाइस मिरर. इसमें आपको शिमर शेड और मैट शेड दोनों ही मिल जाएगा एंड इसको देखकर ऐसा लग रहा है ये यूज्ड है लाइक इधर से. अब इसका पिगमेंट ट्राई करते हैं. पिगमेंट तो काफी अच्छा है. ओह बहुत ही स्मूथ है ये. ये जो ब्रश है ना ये बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स है ना वो बहुत ही अनइवन है. वो ये काफी पिगमेंटेड है. मैं ये ब्राइट पिंक सा शेड यूज करूंगी डॉल फेस. ब्रश से जो ब्लेंड होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है बट इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है. मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसा बोलूंगी. जो शिमर है वो काफी पॉप हो रहा है बट जो आई शेडो का जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है. लिखा है आईब्रो पाउडर बट ये एक्चुअली ब्लश है. ब्लश और हाईलाइटर. आई डोंट नो ये ऐसी कैसी अजीब सी पैकेजिंग है बट नेवरदलेस ट्राई करते हैं. ये ऐसे स्टैक पैकेजिंग में आता है. हाइलाइटर है इसमें. एक छोटा सा मिरर भी दिया हुआ है और ये ब्लश है. एक और शेड है बट लेट्स जस्ट ट्राई टू ओपन इट. पाउडर ही तो है. मैं इस ब्लश को ये वाले ब्रश से अप्लाई करूंगी बिकॉज समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सारे ही ऐसे एंगल्ड शेप वाले ब्रश है. लुक एट द पिगमेंट. बहुत ज्यादा ले लिया है. सी ये वाले ब्रश से है ना ब्लेंड नहीं होता है. ये ऐसा ही एक पैच छोड़ देता है. कैन यू सी द पिगमेंट. बहुत ही पिगमेंटेड है और ये ब्लेंड भी बहुत ईजिली हो जा रहा है विदाउट एनी एफर्ट्स. पैकेजिंग है वो एकदम ही बेकार है एंड जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है. इधर भी लिखा है. कैन यू सी इधर भी लिखा है आईब्रो पाउडर बट दिस इज नॉट एन आईब्रो पाउडर. कौन पिंक आईब्रो पाउडर यूज करेगा. दिस इज द हाइलाइटर. ये आइकॉनिक लंदन का है बट फॉर श्योर दिस इज डुप्लीकेट बिकॉज हाइलाइटर वो भी आइकॉनिक लंदन का कौन ही दे देगा ₹200 में. मैंने इसमें गोल्ड वाला ऑर्डर करा था बट पिंक मिला है और इसका ड्रॉपर भी खराब है. सी ड्रॉपर डजंट वर्क एंड बॉटल भी पूरी गंदी हो रखी है. आई थिंक इट्स ऑलरेडी यूज बट नेवरदलेस वी विल जस्ट यूज इट लाइक दिस. पिंक हाइलाइटर वॉशिज मी ऑफ.
आई विल जस्ट ब्लेंड इट लाइक दिस। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत वाटर लाइक है। डोंट नो हाइलाइटर के लिए क्या ही बोलूं, बट इसकी जो स्मेल है बहुत गंदी है। आई डोंट थिंक आई विल अप्लाई दिस। कंसिस्टेंसी है पूरी वाटर लाइक है। आई डोंट थिंक आई कैन यूज दिस हाइलाइटर ऑन दिस साइड। रेदर आई विल यूज दैट दिस वन हाइलाइटर ब्रश से हाइलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ। कैन यू सी दैट ब्लाइंडिंग ग्लो इट गेव? वाओ। सो आई विल जस्ट ट्राई टू ब्लेंड विथ माई फिंगर्स। लास्ट प्रोडक्ट इज दिस लिप ग्लॉस। ये हार्ट शेप लिप ग्लॉस काफी ट्रेंड में था पहले। इट ये बेसिकली क्लियर ग्लॉस है एंड इट्स इसकी और ये कलर चेंज करता है स्किन के पीएच के हिसाब से। कैन यू गाइस सी सी? और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी बबली सी है। आई विल जस्ट अप्लाई इट। मीशो से मैंने ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट मंगाए हैं सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे यही लगा है। लाइक इट डज वर्क। इट गिव्स स्लाइटली टिंज ऑफ पिंक कलर विच इज रियली अमेजिंग। बाकी ब्रश बहुत ही बेकार थे। आई शेडो पैलेट वॉज ओके। ब्रश है वो भी ओके ही था। एंड द हाइलाइटर इज द वर्स्ट। दिस इज हाउ द मेकअप टर्नड आउट। जो आई शेडो है वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है। ये वाले चिक्स पे काफी पैचेस रह गए हैं ब्लश के। बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है। दिस इज द फाइनल लुक। दिस इज द अप क्लोज। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।